आज तक हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में मैन गेट पर कभी भी हमने महिला पुलिस कर्मी गार्ड देखी नहीं है। पुलिस आती है, जेंट्स आते हैं, वो खड़े रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, महिलाएं महिलाओं की सुरक्षा के लिए कम से कम दो महिला गार्ड तो विश्वविद्यालय में बजट कम नहीं है, लेकिन प्रशासन है वो बजट को लगाते हैं। चाहते हैं कि हम गांव और ढाणियों के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको वेलफेयर करने के लिए 5% का इस दाखिले में आरक्षण दें, जिनसे उनको 5% सीटें ज़्यादा मिले और वो आकर अपना रोजगार के लिए प्रयास करें और अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें। मेरा नाम है अभिषेक जाखड़, आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। लगातार जब से छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हुई है तब से लगातार कवरेज दे रहा आपको। अभी हम हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर, यहाँ पे हर एक छात्र नेता मैदान में है। हमारे पास हैं रितु बराला जो कि NSOA से दावेदारी कर रही हैं। रितु बराला से जानेंगे उनका मैनिफेस्टो क्या है, वो छात्र हितों के लिए और लड़कियों के लिए खास तौर से वो क्या क्या अपने मैनिफेस्टो में जो है वो क्या करने वाले हैं। नमस्कार रितु, आपका RJ TV 24 में स्वागत है। धन्यवाद आपका RJ TV का कि हमारे कैंपस में आकर हमारी बात लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, धन्यवाद आपका। रितु, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि आपका मैनिफेस्टो क्या होने वाला है। सर्वप्रथम तो हमारे जो छात्र संघ चुनाव हैं वो 2 साल के गैप के बाद हो रहे हैं और हमारे मैनिफेस्टो में हमने मुद्दे उठाए हैं कि सर्वप्रथम तो हम हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में डिबेट रखना चाहते हैं कि जब तक बच्चों में वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं होगी तो मुद्दे नहीं उठेंगे और मुद्दे नहीं बनेंगे और मुद्दों का सुझाव नहीं निकलेगा तब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। और दूसरा मुद्दा है हमारा कि महिला छात्रावास और बॉयज छात्रावास हैं उनके मैस वेलफेयर का है कि उनके खाने का जो व्यवस्था है, खाने का जो प्रोटीन है वो बिल्कुल ही लोगों ने एकदम ख़राब कर दिया है, एकदम घटिया टाइप का खाना देते हैं। तो हम राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि जो हॉस्टलों की मैस की वेलफेयर है, उनके खाने की व्यवस्था है, खाने की प्रोटीन वाली जो मात्रा है वो बढ़ाई जाए और अच्छा खाना उनको दिया जाए ताकि उनकी हेल्थ बनी रहे। और तीसरा हमारा मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर। आज तक हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में मैन गेट पर कभी भी हमने महिला पुलिस कर्मी गार्ड देखी नहीं है। पुलिस आती है, जेंट्स आते हैं, वो खड़े रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, महिलाएं महिलाओं की सुरक्षा के लिए कम से कम दो महिला गार्ड तो हो ही सकती हैं, ये हमारी मुख्य मांग है। चौथा हमारा मुद्दा है कि जितने भी राजस्थान विश्वविद्यालय में वाईफाई की सुविधा है लेकिन इंटरनेट चलता नहीं है और कैमरे हैं वो ओपन है डिपार्टमेंट्स के लेकिन कैमरे कभी चालू नहीं रहते क्योंकि कैमरे की व्यवस्थाएँ हैं वो बिगड़ चुकी हैं, ऑन कभी किए नहीं जाते, आधे कैमरे वो टूटे फूटे हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उन पर सुधार की जाए। और आप देख रहे हो कि अभी आप मैन गेट से आए हैं तो राजस्थान विश्वविद्यालय का मैन गेट है, उसमें इतना बड़ा खड्डा है कि उसमें गाड़ी हम लोग लेके आते हैं, गाड़ी या कोई भी साधन, हम पैदल भी जाते हैं तो हमारे पैरों तक पानी भर जाता है। तो हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जिसके गेट की स्थिति हम लोग सुधारने के लिए कंटिन्यू हम ज्ञापन देते हैं VC सर को, लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं होती। तो हम चाहते हैं कि ऐसा छात्र संघ चुनाव इस बार, ऐसे छात्र संघ अध्यक्ष ये छात्र चुने जो इनके नेतृत्व को फुल रिप्रेजेंट करें और जो कंटिन्यू इस कैंपस में मेहनत करता आया है, 6 साल से कंटिन्यू रहा है इनके बीच में, इनकी मांगें सुनी हैं उसने, उनके मुद्दे उठाए हैं। और मैं यही मांग करूंगी उन सबसे, छात्र छात्राओं से यही अपील करूंगी, अच्छा नेता चुने और अच्छा इस बार छात्र संघ, मजबूत छात्र संघ अध्यक्ष चुने आप। रितु, मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी है उसका जो भवन है वो पुराना हो गया, झज्जर पड़ा है। अक्सर हम देखते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को उनको लगातार रिपेयरिंग होती है, मरम्मत होती है, रंग रगाई होती है हर साल भर से, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में मेरा कहना ये है कि हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में बजट कम नहीं है लेकिन प्रशासन है वो बजट को लगाता नहीं है। तो मैं यही कहूँगी जब तक हमारे डिबेट नहीं होगी, जब तक हम सब स्टूडेंट एकजुट होकर लड़ेंगे नहीं, जब कोई भी क्रांति हम करते हैं, कोई भी मुद्दा हम उठाते हैं, कोई भी प्रदर्शन प्रोटेस्ट करते हैं, जब तक हम छात्र सब एकजुट मजबूत होकर लड़ेंगे नहीं तो कोई भी मांग पूरी नहीं होती। तो मैं जल्द से जल्द, मैं तो यही कहूँगी कि सब छात्र एक साथ आएँ, मजबूती से हर मांग उठाएँ और वो अंत तक लड़ें, तब जाके हमारी मांगें पूरी होंगी। ये तो एक सवाल और जानना चाहता हूँ मैं कि आप शेखावाटी से आते हैं और गांव ढाणी से बिलोंग करते हैं, तो क्या है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चा आता है वो गांव ढाणी से आता है अक्सर, 70-80% यहाँ पे एडमिशन वहीं से होते हैं, तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बहुत से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में मेरा कहना है कि सबसे ज़्यादा राजस्थान विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी आते हैं वो राजस्थान के ऑल, पूरे राजस्थान के भी विद्यार्थी हैं और आउट ऑफ स्टेट के भी विद्यार्थी हैं। तो गांव और ढाणी से आने वाले बच्चों के लिए मैं ये चाहती हूँ कि उनको जब दाखिला दिया जाए तो उनको 5% का आरक्षण दिया जाए, क्योंकि बहुत सी ढाणियाँ ऐसी हैं जहाँ पर आज भी बिजली की सुविधाएं अवेलेबल नहीं हैं, उनके पास आज भी पूरी सुविधाएं नहीं पहुँच पाती है जिसके कारण वो बच्चे कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम गांव और ढाणियों के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए
उनको वेलफेयर करने के लिए 5% का इस दाखिले में आरक्षण दें, जिनसे उनको 5% सीटें ज़्यादा मिले और वो आकर अपना रोजगार के लिए प्रयास करें और अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें। एक यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे अक्सर अपन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि वहाँ पे बाहर से कंपनी आती है, मतलब जब कंप्लीट होती है तो वो जॉब के लिए, लेकिन यहाँ पे इसमें आरयू के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, उसके बारे में क्या करने वाले? हमारे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में पहले कैंपस में हमारे आती थी प्लेसमेंट के लिए बाहर से कंपनी आती थी जो रोजगार देती थी, और कुछ सालों बाद ऐसा हुआ कि राजस्थान विश्वविद्यालय में कंपनी आनी बंद हो गई, लेकिन हम फिर से ये मांगे उठाएंगे कि हमारी राजस्थान विश्वविद्यालय में कंपनी आए और प्लेसमेंट करें, बच्चों को रोजगार दें जिनसे उनको रोजगार मिल सके और उनका विकास हो सके। जी, तो एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पे जो लाइब्रेरी है वो काफ़ी टाइम से बनी हुई है लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है? लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी के जस्ट पास में अभी न्यू बिल्डिंग एक और लाइब्रेरी की बनाई गई है। हमने वो मुद्दा उठाया भी था, वीसी सर को ज्ञापन भी दिया था, लेकिन उसका जो फर्नीचर वगैरह था वो उस टाइम पूरा बना नहीं था, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं पूरा तैयार हो चुका है। तो मैं चाहूँगी कि हम जल्द से इस लाइब्रेरी को अब ओपन करवाने की मांग करते हैं और जल्द से जल्द हमारे सभी छात्र छात्राओं को ये है कि पढ़ने के लिए उनको सुविधा चाहिए और पढ़ने के लिए लाइब्रेरी अवेलेबल होगी। एक इस लाइब्रेरी से काम कैसे चलेगा, इतना 30,000 छात्र छात्राएं हैं हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो दूसरी लाइब्रेरी नई बनी है वो ओपन हो और सारे विद्यार्थी उसमें एजुकेशन लें। रितु, एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पे जो आप बात कर रहे हो लाइब्रेरी की, यहाँ पे शिक्षा की, लेकिन यहाँ पे डिजिटल शिक्षा को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसके बारे में आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? डिजिटल शिक्षा के बारे में हमारी प्राथमिकता ये हो रहेगी, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें या तो कंप्यूटर टैब लगाया जाए पूरा, जिससे कि कंप्यूटर पर स्टडी कराई जा सके उनको, और टेक्निकली उनको इम्प्रूव किया जाए सारी एजुकेशन, क्योंकि हमारे बोर्ड है वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, ब्लैक बोर्ड में चौक घिसते घिसते चौक पूरा हो जाता है लेकिन वो टॉपिक पूरा नहीं होता कभी। तो मैं चाहती हूँ कि अभी सुविधाएं इतनी हो चुकी हैं, बस सुविधाओं में सुधार करना है और सुधार के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, हर लड़ाई लड़ रहे हैं। आप NSYI से दावेदारी कर रहे हो जी, जो कि कांग्रेस से ताल्लुकात रखता है, तो अगर आप NSYI से टिकट मिल जाती है और आप छात्र संघ अध्यक्ष बन जाते हो तो आप, कांग्रेस पार्टी है आपकी, तो उसके द्वारा आपके क्या प्राथमिकताएं रहेगी यूनिवर्सिटी के अंदर? सर्वप्रथम तो यूनिवर्सिटी के लिए हमारी प्राथमिकता ये रहेंगी, अगर हमारी सरकार अगर छात्र मुझे चुनते हैं तो सर्वप्रथम तो ये लाइब्रेरी का मुद्दा है, लाइब्रेरी हम जल्द से जल्द स्टार्ट कराएंगे, और दूसरा मुद्दा है कि डिबेट स्टार्ट कराएंगे, और मैथ्स वेलफेयर के लिए हम मैथ्स के खाने वाने की व्यवस्थाएं सुधार करेंगे उनमें, और हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट की और रोडों की जो स्थिति है, टूट चुकी है रोडें, पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, उनको नया बन के तैयार करवाएंगे, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2 महिला गार्ड और 1 मेडिकल नर्स हम लोग वहाँ पर अवेलेबल करवाएंगे हॉस्टलों में, ताकि महिलाओं को कुछ भी रात को कोई भी इशू होता है वो नर्स उनको टेकल कर सके। महिलाओं से जुड़ा एक सवाल और पूछता हूँ मैं कि अभी कुछ समय पहले एक केस सामने आया था कि कुछ लड़के छात्र संघ चुनाव के बहाने बाहर से आते हैं और वो मे हाई हेल्प यू के नाम से कुछ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसी के बारे में मेरा ये कहना है कि महिला पुलिस गार्ड होनी चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा के लिए महिला पुलिस गार्ड होंगी तो उनको सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, और इसी के लिए हम ये मांग, मैं कई टाइम से ये मांग उठाती आ रही हूँ, और जितना रहेगा तो मैं, जब अगर छात्र संघ अध्यक्ष चुनी जाती हूँ तो मैं ये मांग पूरी करूँगी। राजस्थान विश्वविद्यालय से जो छात्र संघ अध्यक्ष बनता है वही आने वाले विधायक हो या MP MLA बनता है, या यूँ कहें कि राजस्थान की राजनीति में वो बड़ा एक नेता, जन नेता बनता है, तो अगर रितु बराला छात्र संघ अध्यक्ष बनते हैं तो वो क्या कहाँ देखते हैं अपने आप को? ये बात है कि हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय जितने भी छात्र संघ अध्यक्ष गए हैं, महासचिव गए हैं, जितने भी हमारे जो राजनीति में अपनी भूमिका निभा के गए हैं वो राजस्थान का नेतृत्व करते हैं, और मैं भी मानती हूँ कि हम आने वाले टाइम में राजस्थान का नेतृत्व करेंगे, लेकिन जब हमारे सभी बहन और भाई हमें सब साथी में चुनेंगे तब हम उन सब का नेतृत्व करेंगे, वो हमें आगे बढ़ाएंगे तो हम बखूबी उनको आगे बढ़ाएंगे। अब मैं इन सबसे यूनिवर्सिटी कैंपस से हटके एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप सेखावाटी से आते हैं, तो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है? मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मेरे पिताजी हैं वो पेशे से किसान हैं और मेरी माता हैं वो गृहिणी हैं, और हम 2 बहन भाई हैं, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से PG कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जब एक गांव का बच्चा यहाँ की संघर्ष करता है, छात्र संघ चुनाव हो या एक सीट के लिए दाखिले के लिए वो फाइट करता है तो उसे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। जी, तो ये जो बेबाक तरीके से बोलना है वो किसान परिवार से आता है, तो ये कैसे, कहाँ से सीखा आपने ये? तो देखिए, कैंपस में हम रहे हैं कंटिन्यू, और काफ़ी टाइम से मैं हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है मैंने, और एक्टिव भी रही हूँ,
और छात्रों के बीच में हम आते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, तो ये बेबाक तरीका मुझे इस राजस्थान विश्वविद्यालय से ही मिला है। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, आप शेखावाटी से आते हैं, शेखावाटी से राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर छात्र नेताओं की बात करें तो उत्तम चौधरी हो या फिर जो अंकित धायल हो, दिनेश जी सुंडा हो जो हाल ही में नावलगढ़ से प्रधान है, राजकुमार जी शर्मा, वो सभी शेखावाटी से बिलोंग करते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है? ज़्यादातर शेखावाटी का दबदबा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में मेरा कहना है कि हाँ, हमारे शेखावाटी की पहचान बनाने के लिए हम ये अपना नाम, मतलब हमारे शेखावाटी को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने खूब संघर्ष किया है, तब जाके ये चुने गए हैं, और मैं मानती हूँ कि शेखावाटी के लिए इन्होंने खूब काम भी किए हैं, और ये हमारे सब सीनियर हैं, मेरे सब मेरे बड़े भाई बड़े भाइयों के समान हैं, और मैं चाहती हूँ सब मुझे मिलकर भी सपोर्ट करेंगे और अच्छे काम और करेंगे हम शेखावाटी को आगे बढ़ाने के लिए। अब एक सवाल मेरा और है कि आप अपने प्रतिद्वंदी को कैसे देखते हैं, जैसे ABVP हो या निर्दलीय प्रत्याशी, उनको कैसे देखते हैं? मेरा मानना है कि जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं, प्रयास सभी करेंगे, ये छात्र संघ चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है, सब कंटिन्यू अपने अपने स्तर पर खुद को अच्छे से अच्छा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि मैं अपना भविष्य सुधारूं और छात्र संघ अध्यक्ष बन के मैं अपनी भूमिकाएं निभाऊं। आखिरी सवाल मेरा है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को और राजस्थान विश्वविद्यालय के 30,000 छात्र छात्राओं को क्या कहना चाहूंगी? मैं अपने प्रदेश के सभी युवा साथियों को ये कहना चाहती हूँ कि अब छात्र संघ चुनाव 26 अगस्त को होने को जा रहे हैं, मैं अपील करती हूँ कि मैं एक किसान परिवार से आने वाली छात्रा हूँ, आप सभी मुझे सपोर्ट करें और जितना हो सके मेरा हौसला बढ़ाने की आप लोग पूरी कोशिश करें, मैं आपके लिए आज भी खड़ी हूँ, आने वाले कल में भी खड़ी रहूँगी और हर लड़ाई आपके साथ मिलकर लड़ूंगी। जय हिंद, जय भारत। तो ये थी रितु बराला जो राजस्थान विश्वविद्यालय से NSOI से दावेदारी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय का किंग कौन होगा, लेकिन आप जुड़े रहिए RJ TV24 से। RJ TV24 के माध्यम से हम एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, आइए जुड़िए, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।